आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के टेक्निकल टर्म, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, विद एग्जांपल समझेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। आती है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स क्या कह रहा है, कि अकाउंट्स ये कहता है कि मैं अपनी सारी नई टेक्निकल टर्म्स लूंगा, मैं किसी भी और सब्जेक्ट की कोई भी टर्म यूज़ नहीं करूँगा। तो अब देखो, मैं एग्जांपल देती हूँ। जेठालाल के पास बबीता जी आई। बबीता जी ने उसको बोला कि मुझे, जेठा जी मुझे एक हैंडसेट चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप मुझे दिलवा दो, दे दो। तो जेठा जी ने उसको ले दिया 50,000 का। अब बबीता जी के पास पैसे नहीं है, तो जेठा जी कह देता है कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में दे देना। तो जेठालाल की बुक्स में बबीता जी क्या हुई? डेटर्स हुई, कि उन्होंने उसको माल तो सप्लाई कर दिया लेकिन अभी पैसे उससे लेने बाकी है। इन शॉर्ट, जहां तक समझ आया आपको, क्या समझ आया कि जो डेटर्स है वो कौन है? हमारे लेमैन भाषा में कस्टमर्स है, जिनको हमने सोल्ड कर दिया और जिनसे हमें अभी मनी रिसीव नहीं हुई है। क्लियर? डेटर्स क्या है? हमारे कस्टमर्स है। जैसे मैंने आपको जेठालाल का एग्जांपल दिया, बबीता जी आई जेठालाल से अब हैंडसेट खरीदने के, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उसको बाद में देगी। तो जेठालाल की बुक में बबीता जी क्या है? डेटर्स है। क्लियर? और डेटर भी एसेट्स के अंदर आते हैं। डेटर्स किसके अंदर आते हैं? एसेट्स के अंदर आते हैं, ये हमारे करंट एसेट्स है। क्लियर? अब नेक्स्ट मेरी टेक्निकल टर्म आ रही है, मेरी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? अभी मैं जेठालाल वाला एग्जांपल ही लेती हूँ। जेठालाल है, उसने एबीसी लिमिटेड से बहुत सारे सामान खरीदा है। लेट से उसने लैपटॉप खरीदे, रेफ्रिजरेटर खरीदा, हैंडसेट खरीदे और एलईडी खरीदा। ठीक है, ये सारे आइटम्स उसने खरीद लिए। अब जेठालाल के कहता है कि एबीसी लिमिटेड मुझे बिल दे दो। तो उसका बिल आता है सपोज 50 लाख का। तो जेठालाल कहता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी उनकी डीलिंग होगी। तो जेठालाल की बुक्स में एबीसी लिमिटेड क्या है? क्रेडिटर्स है। मतलब लेमैन टर्म अगर हम देखा जाए, लेमैन भाषा में जो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो कि हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, कौन होते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं और जिनको हम पैसे दिए नहीं है, अभी हमें देने हैं। मतलब क्रेडिटर भी क्या है? मेरी लायबिलिटी है, मेरे उधारी है जो कि मुझे पे करनी है, मेरे सर पे बोझ है। क्लियर? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर वो है, सप्लायर है नॉर्मल, जो कि हमें सप्लाई करते हैं गुड्स, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जेठालाल का एग्जांपल दिया, वो उसको बाद में पे ऑफ करेगा। तो ये हमारे हैं क्रेडिटर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल के साथ बने रहना। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ और कोशिश करूँगी पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो और कुछ भी रटा नहीं मरवाऊँगी, सब कुछ लॉजिकली समझाऊँगी। थैंक यू।